दादा लोग कहाँ गए थे? भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवान ना असीम दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो। दादा भगवान दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ना असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा मोनिका मोनिका, यू कैन मोनिका स्टार्ट। मोनिका स्टार्ट। भगवान हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय असीम जयकार हो। असीम जय जयकार। दादा जय भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार जयकार। हो। दादा भगवान दादा दीपिका जी, डॉक्टर कमिंग। दादा भगवान असीम जय जयकार हो।
भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम असीम जय जयकार जय हो। हो। भगवान असीम असीम जय जयकार जयकार भगवान असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा दादा भगवान जय भगवान जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार जय हो। सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी जय मच सच्चिदानंद। फॉर क्विकली नौ कलम बोलिए सुनाए। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मने कोई पन दे दारी चुपात मानो किंचित मात्र पर अहम ना दुबे ना दुबाय के दुबा प्रते ना अनुमुदाय एवी परम शक्ति आपो। मने कोई पन दे दारी चुपात मानो किंचित मात्र पन अहम ना दुबे एवी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन अने स्याद्वाद मनन करवानी परम शक्ति आपो। જે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી શાદવાદ વાણી શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। कंटिन्यू करने का है। अभी दीपिका जी डॉक्टर कमिंग ओके श्री मंत्र बुलाए। जय सच्चिदानंद। जय नमो हाय सच्चिदानंद। नमो नमो वीत्रागाय। नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानं नमो नमो सिद्धानं। सिद्धानं। नमो आयरियाणं नमो नमो आयरियाणं। वत्सायाणं नमो वत्सायाणं। वत्सायाणं। सर्वसाहुणं नमो नमो लोये लोये सर्वसाहुणं। ऐसो पंचनमकारो ऐसो पंच नमो कारो।
सर्वपावपनाशनो सुनो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सुवेशे मंगलानां च सर्वेशं परमं हवाई मंगलं परमं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय ओम नमः शिवाय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं बुरी साहब से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा भी करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊँ। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ, मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान कर। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करेंगे जिससे मेरा दर्शन होकर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। बबीता जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा हे दादा भगवान, भगवान। हम मैं आपके बच्चे, हम मेरे हम आपके हैं बच्चे, दिल आपके बच्चे, के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, जीते हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे, फिर भी वीर है भी है कच्चे, कच्चे। काम काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे बहन जय सेपरेशन सच्चिदानंद। प्रेयर। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तुम अलग छो दिव्य अलग छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तुम परमानंद छो दिव्य टेम्पररी छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तुम रियल छो अने दिव्य रिलेटिव छे। बोलो हाँ शुद्धात्मा प्रेयर। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे जुदा छो पर्वत जुदा छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे रियल छो पर्वत रिलेटिव छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, परमानेंट छो पर्वत टेम्पररी छे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके दिव्या बहन, आर यू हैप्पी टुडे? कैम આજે સૂર્ય નમસ્કાર કરેલા થોડી બોલો, નથી સંભળ। કેમ કેમ આજે સૂર્ય નમસ્કાર કરેલા ઓહો વેરી તમે ગુડ, સૂર્ય નમસ્કાર કરેલા? માય ગોડ, દીદી કેવું પડશે કે વિડીયો ઉતારી લે તમે, હા પછી મોકલજો આ છોકરાઓને, પછી હેલ્પફુલ થાય। Hey, very good. Monica, are you happy today? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैं
अन्ना पियूं क्योंकि आज मेरी सत्संग रह गई है। बाकी मैंने एक्सरसाइज और स्टडीज का शेड्यूल बना के सभी टाइम फॉलो किया, बट सत्संग नहीं किया। એને આખું મોડે આવડે છે, આપ શું અભી કર દે કરવું કરે બિલકુલ યુઝલી હા તો કરને બિલકુલ પડતા। કોઈ નહીં કરને કહી રહ્યા હોય તો જી સી બી અને પ્યા દવા જી પે તો ઠીક आज मैं आना भी हूँ क्योंकि आज मैंने सत्संग नहीं किया। साथ में बैठ के कर सकते हैं ना भूमिका भूमिका को भी सिखाने का है विधानसभा सिबा जय सच्चिदानंद, आज मैं हैप्पी हूँ, नहीं हूँ अनहैप्पी हूँ क्योंकि आज मेरे सब साधन हो गए हैं, सब कुछ हो गया, सिर्फ एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार रह गए हैं। तो इरादा नहीं है करने का, हाँ इरादा नहीं है करने का कर दिया था आज पूरी आज की बात। अभी तो कितना बजा, को अभी तो टाइम है ना सोने के पहले। पिताक्षी जुटा बा सके। टाइम है ना सोते के पहले कर सकते हैं कि नहीं? दादा आपकी आवाज नहीं मोनिका कैन यू हियर मी? आ रही। हाँ सुनाई दे रही है दादा, तो बोलिए उसको। आपकी आवाज थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आर यू हैप्पी? है। हाँ दादा आज मैं हैप्पी हूँ। ओके क्यों? क्योंकि दादा आज मेरे सारे सत्साधन और सारी चीज कंप्लीट हो गई है। दीदी ओके वेरी गुड। ओके आज दीदी के साथ कैसा रहा? के साथ ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुआ। हाँ तो अच्छा बोलने का ना, अच्छा हुआ। हाँ दादा अच्छा हुआ। हाय मिताक्षी बा पापा के साथ कैसा रहा? हाँ जय सचिदानंद, आज पापा के साथ अच्छा रहा था क्योंकि क्यों आज क्यों सुबह हाँ पापा के साथ तो पूरे दिन में कुछ एडजस्टमेंट ही हुई थी। ओके क्यों नहीं हुआ? हाँ एडजस्ट नहीं हुआ कि एडजस्ट नहीं हुआ? एडजस्टमेंट ही हुआ है ऐसा। अच्छा वेरी गुड। हाँ मोनिका आज मेरे पापा के साथ वापस एडजस्ट नहीं हुई थी आज, क्योंकि मुझे आज पानी पूरी खानी थी और पापा ने कहा कि मैं किसी और दिन दिलाऊंगा, तो मैं उस समय बात मान ली, बट मेरे अंदर थोड़ा सा आभा हुआ उस समय। तो प्रतिक्रम किया, प्रतिक्रमण नहीं सही किया। किया। छोटी लेटर पेड़ हाँ मुझे जय भेजा सच था तो जय ये सच आपको दीदी के साथ अच्छा स्पाइन हुई। क्या हो गया था? झगड़ झगड़ झगड़ा किया था। क्यों झगड़ा झगड़ा का मूड था इसलिए? अच्छा आपको बहुत पसंद है झगड़ा, आपको क्या दादा? नहीं झगड़ा बहुत पसंद हाँ है? ओके दिव्या बहन पप्पा के साथ क्या क्यों रही हो आज? पापा हो रहा साथ बात होती है आज? है छोटू कैसी कैसी बात कर बात करी? कैसी पापा रही? बाहर गाम से तो हाँ जय सच्चिदानंद कहा था आज सवाल उठे ने कर तो पची वो बात न थे। हाँ डाली ने वेरी गुड। ओके जय सच्चिदानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी ये आज का ये वीक का टॉपिक था
पप्पा के साथ एडजस्टमेंट। आपका आवाज नहीं पहुंच रहा है मुझे, आई नो आई डोंट नो। बहुत मंद है। एक मिनट। नो अभी आता है दीपक जी। थोड़ा थोड़ा आया। ओके 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 आपका आवाज अभी आता है। आया थोड़ा सा। ओके ओके वेरी गुड। अच्छा तब तक दीपकांत जी क्या दिनेश कहते हैं, आपने सुना सब? हाँ, बोलिए। अच्छा जय सच्चिदानंद। पहली बात तो ये है कि अभी अच्छा समय हो गया है, हमने बहुत बार गलतियां आपने कही भी है और उसका प्रतिक्रमण भी किया है, लेकिन गलतियाँ होती है और अभी भी प्रतिक्रमण चूक जाते हैं तो वो सोचने वाली बात हो जाती है। और हमने ये भी बताया था कि आपको तो बोलना भी नहीं होता है, यानी बोलना नहीं चाहिए, अंदर से दादा को टेलीफोन कर देने का कि दादा आज मुझे पानी पूरी खाना है और देखना है कि पापा ले जाते हैं, मम्मी ले जाती है या नहीं, और नहीं ले जाते हैं तो समझ लेना है कि आज पानी पूरी का संजोग नहीं है। ये बताया था मोनिका। हाँ दादा, बट मैं उस समय अप्ले करना ही भूल जाती हूँ, तो उस समय क्या करूँ? ठीक है, लेकिन बाद में तो समझ में आ जाता है ना, तभी हो गया। हाँ लेकिन जब समझ में आया, लेकिन अभी तो यहाँ पूछा और पूछा कि आपने प्रतिक्रमण किया तो बोला नहीं किया, यानी संयोग के बाद जब संयोग का धक्का कम हो जाता है तो आपको वो संयोग में जो गलती हुई उसको सुधार लेनी चाहिए। हाँ लेकिन ये तो बात यहाँ आई, आपने बताई और कहा कि बोलो प्रतिक्रमण नहीं हुआ, और ये सब ये हमारे जीवन का उसको क्या बोलेंगे, ये पक्का कर लेना है कि घर में बार बार इस तरह से इतनी बातें होने पर भी ऐसा अनबन होता है या झगड़ा होता है या अभाव होता है, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। पूछना और तो चाहिए। और ये हुआ तो प्रतिक्रमण भी नहीं हुआ, लेकिन एक बात समझना है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दोहराता हूँ। जब आप काम करोगे और बॉस को ना बोलेंगे ना तो सीधा आपको दरवाजा बता सकता है, आपको जॉब में से निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ जरूर होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है बोलो। और घर में हम अपनी मनमानी करते हैं, ध्यान में आया? यही तो समझना है। और हम ये सत्संग तो कितने साल से करते हैं, गलतियां नहीं हो ऐसा हम नहीं बताते हैं, गलतियां हो जाती, लेकिन उसके पीछे जो प्रतिक्रमण रह जाता है ना उसका हमें बहुत अफसोस रहता है कि बच्चे तो बहुत जागृत होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं,
उनको बताया, उनको कितनी बार हमने प्रैक्टिकल भी करवाया और ये प्रार्थना भी करवाई कि कैसे माइंड ट्रांसमीटर है, माइंड रिसीवर है, बताया था कि नहीं? बताया था। हाँ, तो यानी ऐसा है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हो गए, फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में आ गए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेसन भूल जाने का? तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का लेसन तो नहीं हमारे लाइफ हो जाना चाहिए। एनीवे, बात समझ में आई ना? अभी बोलो, आज हाँ दिव्या बहन ने सूर्य नमस्कार किया, कितनी अच्छी बात है। ख्याल में आया? अब ये हाँ गलतियां धीमे धीमे, नहीं, वो गलतियां होती है, हम उसकी कभी भी शिकायत नहीं करते, लेकिन जब गलतियां होती है और प्रतिक्रमण नहीं होता है, तो हम डॉक्टर साहब को पूछेंगे कि इसका क्या परिणाम आता है और क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए आप जरा। देखो, गलतियां कैसी चीज है कि अपना ही शूल अपने को ही लगता है। ये तो आप सबको अनुभव है, आप भली भांति कि जब ऐसा होता है तब आपका आनंद बढ़ता है कि चला जाता है। हाँ चला जाता है ना, और बहुत ज्यादा करते हैं तो तकलीफ भी चालू हो जाती है। तो फिर तो ये तो कैसी बात हुई कि हमें शूल लगा है और हम शूल के साथ चलते हैं क्या? ऐसे ही पैर पैर में शूल लगी है और हम शूल के काटा साथ कांटा, हाँ, कांटे के साथ चलेंगे कि निकालेंगे पहले? हाँ, पहले निकालेंगे, नहीं तो क्या होगा, दर्द होगा और चल नहीं पाएंगे। कितनी सारी चीजों की, चल नहीं पाएंगे, दर्द ज्यादा होगा, खून बहेगा, क्या नहीं होगा। तो गलतियों का ऐसा है, जब तक हम गलती को में से निकलते नहीं हैं, तब तक वो अपने को ही तकलीफ देती है, अंदर से अपने को ही नुकसान करती है, अपना मूड खराब करती है, अपना आनंद ले जाती है, क्या क्या नहीं करती, अपनी शक्ति को डाउन कर देती है। तो गलती हमारा मित्र है कि शत्रु है, कोई भी बोल सकता है। मित्र है तो उसको घर में रखो, शत्रु है, अपना मित्र नहीं है, तो उसको शांति से घर में से निकालो। मैंने उससे हम कैसे प्रतिक्रमण करके मुक्त हो जाना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, 1 मिनट बता, क्या मालूम करिए से। हाँ मैं दिली। ओके, मोनिका मोनिका बोला, मैं कमरा अब संभड़ा है पर बहुत धीमो धीमो संभड़ा, कब नहीं के मैं आज जी। ना के जोर से बोलो। यस, अभी सुनाई दे रहा है? बोलिए। हेलो, ओके, हिताक्षी बाप आप बोलिए, हिताक्षी बाप आप बोलिए। हाँ, हाँ, गलती हमारी शत्रु है। हाँ, तो फिर उसको जल्दी से विदाई करना ही ठीक रहेगा। घर में कोई सांप घुस गया तो आप सांप को रहने देंगे कि जल्दी से निकालने की उपाय सोचेंगे? जल्दी से निकालने के ऊपर हाँ, तो सोचेंगे। गलती ऐसे ही काटती है, हमको खुद को पता नहीं चलता है। हाँ, चलो आगे ओके, चले। हाँ बच्चे लोग हाँ ओके। डॉक्टर साहब, लेकिन दोबारा सांप घर में घुस ना जाए, उसके लिए क्या किया जाए? वो तो पक्का इंतजाम कर देते हैं ये लोग सब कि भाई वापिस आए नहीं, वो इतना दूर छोड़ देते हैं कि वापिस कभी घर में आ ही नहीं पाए। तो गलती वापिस न हो, उसके लिए दादाजी ने प्रत्याख्यान शक्ति मांगने की अपने को रास्ता बताया है, तो वो करना है हमें। हाँ, और जैसे जैसे गलतियों में से मुक्त होगे, आपकी शक्ति और आनंद इतना बढ़ेगा, आपको अनुभव में आएगा कि हमारा आनंद बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ेगा जी। उसको चित्त प्रसन्नता बोलते हैं।
आप भी प्रसन्न रहेंगे, आपको देख के दूसरा भी प्रसन्न हो जाएगा, चित प्रसन्नता बोलते हैं उसको। बराबर ओके। तो अभी वीकेंड आ रहा है तो सब बच्चे लोग जरा ध्यान रखना। मोनिका प्लीज थिंक अबाउट इट, तो रियली रियली प्रैक्टिकम करके तब पहुंचने का। और मंडे को बोलना भी कैसा है, अभी मंडे से वी विल डू ऑल फैमिली में एडजस्ट होता के नहीं, ओके जो कुछ मेंबर से होता, ओके। दादा आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ठीक दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। सजेशन समराइज तुम, होल फैमिली एडजस्टमेंट। ओके थैंक यू, हाँ ओके जय सच्चिदानंद। जय एडजस्टमेंट सच्चिदानंद। से एक स्टेप आगे है कि सबके साथ ऐसा प्रेम जमा हो, मैं प्रेम, कि सब आपको देख के खुश हो जाए, आपके आसपास पूरा घर प्रेममय रहे। बच्चों लोगों के पास ये नेचुरल गिफ्ट है, वो कर सकते हैं कि आप निर्दोष भाव से ऐसे प्रेम से रहो कि सब कोई प्रेममय आनंदमय हो जाए। मैं एक दो एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पर रजनी दादाजी, कि क्या बोलिए। हमारे यहाँ 2.5 साल की छोटी लड़की थी, मनीष भाई की फर्स्ट डॉटर, फिर तो वो ऊपर मीन्स आगे गई, बट इतनी चार्मिंग, इतनी लविंग थी वो, 1.5 2 साल की थी, सबको हंसाती थी, सबको प्रेममय कर देती थी। सो ये आपके पास एक नेचर की गिफ्ट है, यदि आप उसको इस्तेमाल करो और तो बहुत आनंद, वो पूरा परिवार आनंदमय हो जाएगा, राइट? राइट सो एक्सपेरिमेंट कर चाइल्डहुड रहा हैज अ हूँ स्पेशल गिफ्ट। ये वीकेंड में, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ओके और मंडे को हाँ, थोड़ा करके देखिए। या ओके। जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे जाना दिव्य बहन सच्चिदानंद। ओके जय जी। हमें आप